पूनम पांडे महीनों से झूठी मौत की तैयारी कर रही थीं। पूनम पांडे ने फेक मौत की खबर फैलाकर हर तरफ हंगामा मचा दिया। जब लोगों को पता चला कि ये सब वह सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए कर रही थीं, तो हर ओर उनकी आलोचना होने लगी। अब इस केस में और ट्विस्ट आ गया है। दरअसल पूनम कई महीनों से मौत की झूठी खबर फैलाने की तैयारी कर रही थीं। एक्ट्रेस पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से मौत की झूठी खबर ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि आखिर अपनी मौत को लेकर एक्ट्रेस कैसे इस तरह की पब्लिसिटी कर सकती है। हालांकि पूनम दलील दे रही है कि उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह कदम उठाया। उन्हें पता था कि ऐसा करने से उन्हें लोगों से गालियां पड़ने वाली हैं, पर उन्होंने अपनी नहीं बल्कि मासूम लोगों की सोची। अब इस मामले में पता चला है कि पूनम कई महीनों से अपनी नकली मौत की तैयारी कर रही थीं। शुक्रवार को एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर उनकी मौत की घोषणा की गई थी। 24 घंटे बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और कहा कि वो जिंदा हैं।